क्या बेटी के हमरा बेटी के कमल करे बाप। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल में एक 8 वर्षीय बच्ची रुचि की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में रामकृपाल चौधरी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को आज जेल भेजा जाएगा। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है। इसकी जानकारी एसएसपी जयंत कांत ने दी है। उन्होंने बताया कि मेला के दौरान बच्ची को गांव का ही एक युवक 20 रुपए का लालच देकर उसे एकांत जगह पर पूजा पंडाल से थोड़ी दूर ले गया था। वहां 2 अन्य युवक भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर बच्ची के साथ ये हालत करने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से तीनों ने उसकी गला दबाकर और मारपीट कर हत्या कर दी, फिर सबको ले जाकर पोखर में फेंक दिया था। फुटेज में स्पष्ट रूप से ब्लू शर्ट पहने युवक बच्ची को ले जाता दिख रहा है। वह राजमिस्त्री का बेटा बताया जा रहा है। फुटेज से पहचान कर पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया, फिर उसकी निशानदेही पर अन्य 2 की गिरफ्तारी हुई। यूकेजी में पढ़ती थी रुचि। स्थानीय नीरज सिंह की बेटी रुचि कुमारी यूकेजी क्लास में पढ़ती थी। उसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे पता लगा कि उसके साथ मारपीट की गई थी। घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को समझा कर शांत कराया और कार्रवाई में जुट गई। पूजा पंडाल से लेकर करीब 1 दर्जन जगहों पर लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, तब जाकर बच्ची और आरोपी का पता लगा। आरोपी तीनों युवक गांव के ही रहने वाले हैं। दो दिन पूर्व एक 9 वर्ष की बच्ची जिसको निर्मम तरीके से एक पूजा पंडाल के पास में मार करके पानी में डाल दिया गया, और उसके बाद में जब बच्ची की डेड बॉडी मिली तो काफ़ी संख्या में लोगों वहाँ इकट्ठा हुए। पुलिस ने इस मामले को बड़ी संगीनता से लेते हुए डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम ने लगातार वहाँ पर कई लोगों से बयान लिए। इसके अलावा सीसीटीवी की तलाश की गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से भी कई बातों को पता किया गया। इसमें तीन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके साथ बच्ची लास्ट में जा रही थी। बाद में इन व्यक्तियों की पहचान करके इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने से इनको से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और इस प्रकार पुलिस को एक इस मामले में केस का खुलासा करने में एक अहम सफलता मिली है। थैंक यू। ये जो तीन लोग जो व्यक्ति हैं ये भी नवयुवक हैं, और इन्होंने जो कन्फेस किया, इन्होंने बताया कि इसमें से जो एक इन्हीं के साथी थे उसने उस में से एक बच्चे को 20 रुपए दिए और उस बच्ची को बहला फुसला करके एक एकांत जगह पर ले गए, जहां पर इन लोगों ने बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश की, जिससे बच्ची ने हल्ला किया, जिसकी वजह से और उसमें असफल होने पर इन लोगों ने उसको गला दबा करके और अन्य चीज़ों से उसकी हत्या कर दी और बाद में उसको छिपाने की नीयत से उसको पास के पानी में डाल दिया। और ये मामले में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सभी लोग वहाँ के लोकल थे, जो आसपास में पूजा पंडाल के आसपास के घरों में रहते थे, और उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई। थैंक यू। इसको पकड़ के सीधे लाना है, इसको कोई भी पहचान लेगा जो इसको जानता होगा। हाथ नहीं छोड़ते, फिर आगे आगे हंसाते जा रहे हैं। इसको पकड़ के सीधे लाना है, कोई भी पहचान लेगा जो इसको जानता होगा। छोड़ दिया, फिर आगे आगे हंसाते जा रहे हैं। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।
22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार नियर SBI ATM मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें।